हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करने वाले हैं। ये विटारा ब्रीजा का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो BS6 में लॉन्च हो चुकी है, आपको पता ही होगा। तो जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। ये ब्रीजा LXi गाड़ी है, पेट्रोल वेरियंट है ये। LXi और VXi में आपको यही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो आप देख रहे हैं। और ZXi लेते हैं, उसमें आपको ZXi प्लस लेते हैं तो उसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 7 इंचेस का। तो इसमें आपको यही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा अगर आप LXi लेते हैं या VXi गाड़ी लेते हैं। तो जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। इग्निशन ऑन कर लेते हैं। रिमोट की मिलेगी आपको, दोनों की रिमोट मिलती है आपको। इसमें मीटर में लाइट आ जाएगी। तो मीटर में लाइट आ चुकी है और देख लिया आपने। छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले भी दी गई है इसमें जो आपको फ्यूल बताती है, किलोमीटर, क्लॉक और माल फंक्शन लाइट। तो इन्फॉर्मेशन सारी आपको इसमें मिल जाएगी देखने को। RPM मीटर भी इसमें दिया गया है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप देख रहे हैं, इसमें आप CD प्ले कर सकते हैं। CD प्ले करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए। CD प्ले कर सकते हैं, FM AM चला सकते हैं आप इसमें। यहीं से आप FM और AM दोनों चला सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो ये FM पे चले गया, प्रेस करेंगे तो AM पे चला जाएगा। देखिए AM पे जा चुका है, तो FM AM यहाँ से चला सकते हैं। और यहाँ से आप चैनल चेंज कर सकते हैं, देखिए। प्रेस करते रहेंगे, चैनल चेंज होते रहेंगे। यहाँ से भी चैनल चेंज होते हैं, तो सिंपल आप यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको बटन दिया गया है, वॉल्यूम का बटन है ये। वॉल्यूम को अगर बढ़ाना है या कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। म्यूट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रेस किया तो ये म्यूट हो गया, देखिए। तो ये म्यूट का भी बटन दिया गया है, यहाँ से म्यूट हो जाएगा अगर आप म्यूट करना चाहते हैं। और इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये पावर बटन का भी काम करता है, प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, देखिए ऑन हो चुका है। तो ये म्यूट का भी काम करता है, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का भी काम करता है, ये पावर बटन का भी काम करता है, यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम को आपको ऑफ करना है तो ये भी काम ये करता है। ये बैक के लिए दिया गया है, ये वाला बटन। बैक जाना है तो यहाँ से जाएंगे आप। और USB ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है इसमें, देखिए। जैसे कि आपको मोबाइल कनेक्ट करना है, मनपसंद के गाने आप इसमें सुन सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी इसमें दिया गया है। यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। मोड चेंज करना यानी आप जो भी आप मोबाइल में कनेक्ट करके मनपसंद के गाने आप इसमें सुन सकते हैं। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, FM में चलते हैं। और यहाँ से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, ट्यून का बटन यहाँ पे दिया है, प्रेस करेंगे। पॉप, जज, हिप हॉप, रॉक, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए। तो काफ़ी सारी सेटिंग यहाँ से दी गई है जो कि आप साउंड की सेटिंग इसमें कर सकते हैं। आप यहाँ से फ़ोन डिसकनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोन उठा सकते हैं ब्लूटूथ द्वारा। जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको फ़ोन उठाने का यहाँ पे दिया है, फ़ोन डिसकनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये 6 चैनल दिए गए हैं जिसको आप मनपसंद आप इसमें सेट कर सकते हैं। 6 चैनल आप आसानी से इसमें सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं एक चैनल सेट करके आपको दिखा देता हूँ। 92.7 में, ये 92.7 आ रहा है तो मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ। तो 1 पे सेट करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे तो ये देखिए सेट हो चुका है 92.7, ये 1 पे सेट हो चुका है।
तो ऐसे ही सारे चैनल आप इसमें सेट कर सकते हैं। प्रेस करेंगे ये वाला, देखिए वन वाला तो 92.7 हमने वन पे सेट किया था, तो देखिए दिखा रहा है। तो ऐसे सारे चैनल आप इसमें आसानी से सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हों। ये ऑटो सर्च का भी काम करता है, प्रेस करके रखेंगे तो ये सारे चैनल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ये वाला बटन ऑटो सर्च का काम करता है, तो ये ऑटो सर्च का काम करता है। सारे चैनल हमारे सेट हो चुके हैं, देखिए वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये ऐसे सारे चैनल आप सेट कर सकते हैं, एंटीना भी लगा हुआ नहीं है इसमें। एंटीना लगाने के बाद आप सारे चैनल आप इसमें सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक जो आपको अच्छे लगते हों। तो यही था इस वीडियो में, जो था मैंने आपको बता दिया इसके फीचर्स के बारे में इंफोटेनमेंट सिस्टम के। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।